हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो रोज़ प्लांट के बारे में बताऊंगी, और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। और आप भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि एक ही प्लांट है और उसमें एक जो वाइट कलर का फ्लावर है तो एक जो है पिंक शेड में फ्लावर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो एक ही प्लांट से दो कलर्स के फ्लावर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसकी फुल टिप्स के बारे में आपको बताऊंगी। और ये जो प्लांट है मैं फ्रेंड्स नर्सरी से लाई थी, और इसे जो मैं अभी बारिश टाइम में लाई थी, जुलाई अगस्त मंथ में ही मैं इसको लेकर आई थी नर्सरी से। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होगा मेरा प्लांट, इसमें ना तो पत्तियाँ कुछ ज़्यादा है। फ्रेंड्स, बंदर आते रहते हैं और उस प्लांट को जो है, जब भी मतलब इनको गुलाब का प्लांट दिख जाता है तो पूरा तरह से इनकी पत्तियाँ, फूल, कलियाँ जो भी आती रहती है सबको ख़राब करके चले जाते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मैं नर्सरी से लेके आई थी और इसे मैं 60 रुपये में लेकर आई थी। और जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी फ्रेंड्स, तो कुछ मतलब 8-10 दिन तो मैंने इसे जो वहाँ से लाने के बाद शेडी एरिया में रखा, और उसके बाद जो मैंने इस प्लांट को जो एक पोर्ट में रिपोर्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे डायरेक्ट मतलब 8-10 दिन तक तो शेड एरिया में रखा, और उसके बाद मैंने इसे जो है, ये जो पोर्ट है, ऑयल कैन है और ऑयल कंटेन में मैंने जो है इसे मतलब 15 लीटर की है, और इसी में मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट करने से पहले जो हमें उस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो जो पॉलीथिन्स में प्लांट आते हैं नर्सरी से, तो उस पॉलीथिन को हमें साइड से काट देना है, और उसके बाद पूरा ऐसा कैसा निकाल कर जो हमें इसमें रख के, और आसपास से जो है हम जो सोयल रेडी करते हैं उसको डाल देना है फ्रेंड्स। और आपको तो पता होगा जो रोज़ प्लांट है सभी को बहुत पसंद होता है, और बहुत ही कॉमन प्लांट है ये, हर जगह देखने को मिल जाता है, और कहीं वैरायटी के होते हैं इसमें, कहीं फ्लावर्स रेड, पिंक, वाइट, बैंगनी, ब्लैक, ऐसे बहुत सारे कलर्स के, लाइट पिंक, डार्क पिंक, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। पर फ्रेंड्स, आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि एक ही प्लांट में से जो वाइट भी निकले और इस तरह से पिंक शेड वाइट में निकले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये एक ही प्लांट है और एक ही में से ब्रांचेस निकल रही है। तो फ्रेंड्स, हमें जो सोयल रेडी करने के तो लिए वही करना है जो सोयल ग्राउंड सोयल थी वो, और उसमें जो है गोबर की सड़ी खाद है और बकरी की जो खाद होती है उनको मिक्स करके और सोयल रेडी करके, और उस जो पूरा हम नर्सरी से लाते हैं पूरा मिट्टी से ऐसे निकाल के उसको रख के, और आसपास हमको जो हम सोयल रेडी करते हैं उसको डाल देना है। इस तरह से सोयल तो रेडी हो जाती है। और फ्रेंड्स, वाटर, पानी की बात करूं तो हमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हमारी जो मिट्टी है वेलड्रन बनी रहे इसी तरह से हमें जो है इसमें पानी डालना। और फ्रेंड्स, अभी तो जो क्या है विंटर का टाइम आ गया है, तो विंटर में फ्रेंड्स पानी अगर हम 1-2 दिन छोड़ के डालेंगे तो भी हमारी जो सोइल है अच्छे से वेलड्रन बनी रहेगी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है फ्रेंड्स इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें और भी फ्लावर्स खिले थे, और मेरे जो इसमें फर्स्ट फ्लावर कल ही बनी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया मंकी है और गिलहरी, ये इस प्लांट को रहने ही नहीं देती है फ्लावर को। अब इसकी एक कली आई थी और उसको आधी कली को तो जो है वो गिलहरी रहती है वो काट गई थी, फिर भी वो आधा फ्लावर ही खिला था, छोटा सा ही खिला था, वो आधी तो काट दी थी तो आधा फ्लावर ही खिला था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको बात करती हूँ फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर को तो हमें डालना ही पड़ेगा, और हर मंथली में फर्टिलाइजर डालना, और सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड्स जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसका लिक्विड बनाकर अगर हम डाल देंगे तो हमारा प्लांट बहुत ग्रीन रहेगा और फ्लावर भी ब्लूमिंग होंगे। और फ्रेंड्स, गुलाब के फ्लावर तो बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है, और फ्रेंड्स पर ये जो गुलाब के पौधा है नर्सरी का लाई हूँ, ये हाइब्रिड पौधा है, इसमें जो फ्लावर है या इसके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, इनमें कोई खुशबू नहीं होती। और जो देसी गुलाब के प्लांट होते हैं उनमें क्या, अगर उनमें गुलाब के फूल भी ना होंगे ना तो भी जो पत्तियाँ हैं इनमें से बहुत खुशबू आती है, बिल्कुल गुलाब की आती है। और ये जो फ्लावर है हाइब्रिड वाले हैं इनमें जो है खुशबू नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने देसी जो देसी गुलाब के प्लांट है वो भी बहुत लगा लगा के कोशिश करी है, पर मेरे अभी नहीं चला, और एक प्लांट चल गया है मेरे। और ये देखो, ये भी मैंने ब्रांचेस ही लगाई थी, तो मैंने मेरे और भी गुलाब के प्लांट है मैंने उनमें लगा रखे उनके ब्रांचेस, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई मेरे देसी गुलाब की। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश करी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे गार्डन में जो है देसी गुलाब का प्लांट भी रहे, क्योंकि उनमें खुशबू बहुत आती है।
और खुशबू तो बहुत ही जो अच्छा लगती है खुशबू। तो फ्रेंड्स हमारे फर्टिलाइजर की भी बात हो गई है। फ्रेंड्स मैं सनलाइट की बात करूं तो इसे सनलाइट की ही फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है। हम इसे जो है मतलब मॉर्निंग से जो 3-4 बजे तक की धूप आती है उसी जगह हमको इसको प्लांट को रखना है। और आपको पता होगा जैसे गुलाब का फ्लावर है, इनके पत्ते अगर हम बहुत ही यूजफुल होते हैं, इनका गुलाब जल बनाया जाता है। और ये जो पत्ते हैं जैसे कि फ्लावर है, अगर सूखने से पहले हम इन फ्लावर के पत्ते को अगर हमको जो फेंकना नहीं है फ्लावर का ऐसा कभी भी। और फ्रेंड्स इनके फ्लावर इनके जो पत्ते हैं इनको हम ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है गुलाब के पत्ते खाना भी, तो हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं हम इन पत्तों को। और फ्रेंड्स मैं तो अगर हमारे घर में गुलाब के फ्लावर लाते हैं तो मैं कुछ फ्लावर तो ऐसे ही उनके पत्ते खा लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये जो फ्लावर है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ्लावर है आप देख सकते हो मेरे एक वाइट आ रहा है तो एक पिंक वाइट रोज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये कैसे हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स ये जो गुलाब का फ्लावर है ये मेरे पहले खिला है और बहुत टाइम हो गया इसके खुले, 4-5 दिन हो गए हैं। और 4-5 दिन में जैसे सनलाइट में भी रहता है तो धीरे धीरे ये फ्लावर भी मेरे पिंक वाइट शेड में ही था पहले, और धीरे धीरे जो है वाइट पूरा वाइट शेड में हो गया। और आप देख सकते हैं हल्का सा जो अंदर पिंक शेड है। और ये फ्लावर मेरा अभी 1-2 दिन ही हुए इसको ब्लूमिंग हुए, और इसका कलर आप देख सकते हो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल लग रहा है, पिंक वाइट शेड बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स वैसे मैं इस प्लांट को देखकर लाई थी जब तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर ही थे, मुझे नहीं पता था कि पिंक वाइट शेड में है। और जब फ्लावर ब्लूमिंग हुए तो मुझे पता चला है। और सनलाइट में होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, जो पिंक शेड है वो वाइट में ही चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी तो दो इसको खिले ब्लूमिंग हुए, 2-3 ही हुए। तो ये जो प्लांट है इसके जो पत्तियां हैं अभी पिंक शेड में हैं, और अभी 3-4 दिन बाद जो है ये भी इस तरह से वाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसमें वाइट और पिंक येलो शेड दोनों ही फ्लावर है। हम जैसा चाहे इस प्लांट फ्लावर को तोड़ सकते हैं, हमें अगर वाइट फ्लावर चाहिए तो हम इस तरह से उसको कुछ ज़्यादा दिन तक रहने देंगे तो वाइट हो जाएगा, और अगर हमको पिंक येलो शेड पिंक वाइट शेड में चाहिए तो हमें ब्लूमिंग होने के बाद इसको तोड़ लेना है। और फ्रेंड्स हमें जो हर 8-10 दिन में जो है कटिंग करना है, इनके आगे से कटिंग कर देंगे तो जो है हमारे ब्रांचेस अच्छे से और नई ब्रांचेस निकलेगी और प्लांट थोड़ा घना होगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पर तो मंकी इतने आते हैं कि जो प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। और फ्रेंड्स अभी दिवाली टाइम पर कुछ मतलब 7 दिन तक तो बंदर ऐसे नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि फटाके से वो डरते हैं और फटाकों के डर से जो है बंदर नहीं आए थे। और जो भी अगर फ्रेंड्स सूखे पत्ते हैं तो हमें निकालना है, नहीं तो हमारा प्लांट थोड़ा हरा भरा भी नहीं रहेगा और सूख जाएगा इस तरह से। और फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। और फ्रेंड्स में हमने जो इसके इस प्लांट को है सीड्सर से भी ग्रो कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स मैंने तो गुलाब के सीड्स भी नहीं देखे हैं किसको सीड्सर से कैसे ग्रो करते हैं। मैं तो इसे या तो ब्रांचेस से ग्रो करा, एक तो मैंने इसे ब्रांचेस से भी कर रखे हैं देसी गुलाब के, और ये मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड्स, और मुझे तो गुलाब के फ्लावर भी बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स ये कलर तो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और जब ये गुलाब के फ्लावर मेरे गार्डन में आए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास जो गुलाब के प्लांट नहीं थे और अब मेरे पास जो है ये वाइट रोज पिंक में है और रेड फ्लावर में भी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे गार्डन में भी है जो गुलाब के फ्लावर ग्रो हुए हैं। और फ्रेंड्स बस एक और मेरे जो अब बस वो जो मैंने देसी गुलाब के लगाए वो ब्रांचेस भी चल गए, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे गुलाब के प्लांट बहुत ही पसंद है। बस इसे थोड़ा सा जो बंदर से बचा के रखना पड़ता है। और आप देख सकते हो मैंने जो सोइल ले रखी है मेरे पास क्या है, दो मतलब ग्राउंड सोइल ही है, तो एक रेड वाली सोइल है और ब्लैक वाली सोइल है। तो मैं दोनों को थोड़ी थोड़ी मिक्स करके और उसमें गोबर की सड़ी खाद और बकरी खाद मिक्स करके जो है अपने प्लांट के लिए रेडी कर देती हूँ। और वैसे अगर नहीं भी मिलती मुझे रेड मेरे पास नहीं भी होती है तो ब्लैक मिट्टी है, ग्राउंड सोइल है, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं प्लांट। फ्रेंड्स बस हमें इसे फुल सनलाइट में रखना है।
बहुत ही सुंदर लगते हैं जब हमारे गार्डन में अगर इस तरह से गुलाब के फ्लावर भी हो। बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड्स, तो आप भी अपने गार्डन में से ज़रूर ग्रो करें। और अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी नए नए प्लांट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और किस तरह से हम एक ही प्लांट से जो है दो कलर में फ्लावर आ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।